बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। अगला नाम आया है मेरे पास आसिफ सुभानी साहब का। ये उन दिनों की बात है जब मैं चौथी जमात में था और मेरे क्लास टीचर थे किले के मजीद जनाब। चौथी जमात में था वो, एक मरतबा ऐसा कि एक स्टूडेंट, एक तालिबे इल्म मेरा दोस्त था निहाल नाम का, उससे ना जनाब ना कुछ सवाल पूछे। बोले निहाल, भला भला सवाल उससे पूछे तो डर के मारे ना कांपने लगा। बोला जल्दी से जवाब देना तो अभी मारूंगा हाथ दो फेर। तो डर के मारे ना पेशाब उसकी खता हो गया और पेशाब फेर दिया। तो जब बोले सब लड़के लोग आजू बाजू वाले बोले बोले जनाब जनाब बोले वो पेशाब कर दिया। तो उसको जनाब बोले चल उठ। जब उसको देखे तो उसको बुखार था, बीमार भी था वो बच्चा। तो जनाब उसको उठाए बोले बेटा जा घर जा, तेरी दफ्तर पार्टी की छुट्टी, दफ्तर लेकर घर चले जा। बोला वाह यार आइडिया अच्छी है। तो दो तीन हफ्ता बीता होगा, मेरी दोपहर की स्कूल थी तो दोस्तों ने प्रोग्राम बनाया। बोले ना डायमंड बिल की तरफ जाके ना कचकचौली तोड़ेगा और उधर गिरगिटार मार के आएंगे दोपहर के बाद। तो मैं उन लोगों को बोला बोला यार दोपहर में मत चलो, मैं 5 बजे छुट्टी हो जाएंगे तो अपन लोग चलेंगे। उन लोग बोले नहीं भाई 5 बजे बहुत लेट हो जाता, अंधेरा हो जाइए। बोले उधर थोड़ा सा शैतान वैतान रहते। बोला ठीक है भैया, अब मैं ही कुछ आइडिया लगाता हूँ। अब घर पे मैं बहुत आइडिया चला कि मैं स्कूल नहीं जाऊँगा, लेकिन ना मेरी अम्मा बोली बोले नहीं नहीं तेरा अब्बा से मार के लगे, बोले स्कूल जा। मैं गया वहाँ पर तो मैं बोले यार छुट्टी निकालने में तो मेरे को निहाल का वाकया याद आ गया। तो मैं ना फुग्गे के अंदर पानी भरा, पैजामा तो पहनते थे हम लोग, तो फुग्गे के अंदर पानी भर के ना खीसे में रख लिया और अंदर जाके जमात में बैठ गया। आधा आधा घंटा हुआ होगा मेरे को ऐसा लगा कि अब अपना चलना चाहिए छुट्टी के वास्ते। मैंने फुग्गा दबा दिया, पानी फूट गया और पानी बह गया। बाजू वाला लड़का बोले बोले जनाब बोले मूत दिए थी मूत दिए थे मजीद जनाब बोले उठ खड़ो। तो बोले चल जा जल्दी से। तो बोले जनाब दफ्तर हुआ तो दफ्तर ले लें तो जनाब ना छुट्टी अब कल आऊँगा। अबे बोले इतना मारूंगा ना, बोले घर जा पैजामा बदल के जल्दी से आ। तुम बोलो जनाब उस दिन तो निहाल को तो तुम छुट्टी दे दिए थे, मेरे को क्यों नहीं छुट्टी दे रहे। अबे बोले नालायक ने तो निहाल जो है बहुत दूर रहता, तेरा घर तो सामने ही है जब मैं कुमारवाड़े में रहता। और बोले नहीं आया ना तो बेटा कल तेरे अब्बा अम्मा को बुलाऊंगा यहाँ पर। तो मेरे को जो प्रोग्राम तो वो फेल हो गया। शुक्रिया। एक ही शरारत बयान करके रुखसत हुए और ये चिट्ठी वापस से निकाली जा रही है। मैं आसिफ सुभानी सर से गुजारिश करता हूँ कि अपना लॉलीपॉप हासिल करें और उसे सबके सामने ना खाएं। इसके बाद तो तैयार रहे। ये चिट्ठी में नाम आया है अल्ताफ अहमद, कारपोरेशन के टीचर हैं अल्ताफ अहमद। और इसके बाद तैयार रहे डॉक्टर अतीक फहमी साहब। सलाम अलैकुम। जिंदा दिलाने मालेगांव की नजर एक शेर करूंगा। बहुत संजीदगी भी चूस लेती है लहू दिल का, इसी खातिर तो हम जिंदा दिली से प्यार करते हैं। शुक्रगुजार हूँ मैं उनका कि मुझे मौका मिला। चौथी जमात में मैं पढ़ता था, फज्र की अजान सुनाई दी और ये हुआ कि आज फज्र की नमाज़ पढ़ना है। मेरे एक साथी थे मोहम्मद यूनुस, नाम लूँगा मैं, इजाज़त लिया हूँ इसलिए। उन्होंने कहा कि चलो अपने नमाज़ पढ़ेंगे और जो बच्चों की सफ़ है वहीं खड़े रहना है, हमें शरारत नहीं करना है। ठीक है भाई, मैं समझता हूँ
1983 का ज़माना था, हालात नासाजगार थे मालेगांव शहर के, और नमाज में दूसरी रकत में कुनूत नाजला का एहतमाम होता था शहर में। तो जैसे ही इमाम साहब ने कुनूत नाजला शुरू की, मैं सजदे में जाने लगा तो मेरा दोस्त जिसकी ज़बान में लुकनत थी, अबे अभी तले ओदा, अभी अब पलिए नू। इसी तरीके से छठी जमात में एक सबक था जादू का डिब्बा। सादिक मुस्तफ़ा मेरे क्लास टीचर थे और उन्होंने कहा कि एक दूसरे का सबक सुनो और जो गलती हो वो उसकी इसलाह करो। मैं भी सबक सुन रहा था, अब उसमें एक जुमला आया, अल्फ लैला के जिन आ और इसे अपने ज़ोर से तोड़ डाल। अब मुझे जैसा समझता था वो लड़का वहाँ रुक गया, मैं उसको कहा उल्फुल्ला के जिन आ और इसको अपने ज़ोर से तोड़ डाल। एक और वाक़या माजरत के साथ, तीसरे नंबर का वाक़या है और थोड़ा सा हट करके है। सुबह की नमाज में मेरे साथी गए नमाज के लिए, वापसी में कुछ एहसास हुआ दस्त का, रीह खारिज हुई, थोड़ी दूर आए, सच्चा वाकया ये, अभी जल्दी उनके साथ पेश आया ये, थोड़ी दूर आए, सामने से एक कुत्ता आ रहा था। अब घबरा रहे थे कि कहीं कुत्ता काट न ले, कुत्ता उनसे डर रहा है और ये कुत्ते से डर रहे हैं। करीब आए तो उनकी री आवाज़ के साथ खारिज हुई, कुत्ता तीन कुलाटियाँ खा गया। शुक्रिया। बहुत पटक पटक के धोना पड़ा होगा। मुस्तफ़ा बरकती से चिट्ठी लाए। इसके बाद डॉक्टर अतीक फहमी साहब का नाम था, वो आ रहे हैं और मैं चाहूँगा कि अल्ताफ़ सर आएँ और अपना इनाम हासिल करें। डॉक्टर सईद अहमद फैजी साहब से गुजारिश है कि वो अल्ताफ़ सर को है? सोना है? यहाँ शरारत नहीं करनी थी, खाली बयान करनी थी। ये एक वाला देता था। अच्छा, वो प्रैक्टिकल शरारत थी। अस्सलाम वालेकुम। शरारत करने को मन चाहे रे, मेरा मन आज मदहोश हुआ जाए रे, मेरा मन। समीउल्लाह साहब बड़े गौर से सुनने लगते हैं, उनको जवानी की कुछ यादें याद आ गई, ऐसा लग रहा है ना। मैं आपसे शरारत नहीं कर रहा हूँ। खैर, दूसरी बात ये कि आज रिजवान रब्बानी सर से बात हुई कि भाई एक प्रोग्राम होने वाला है, गलबन जश्न शराफत था, लेकिन ये आने के बाद पता चला कि जश्न शराफत था, हमें शराफत नहीं बल्कि जश्न शरारत है। और शायद मेरा नाम शरारत करने वाले में नहीं था, तो रब्बानी सर आप मेरे साथ कुछ शरारत तो नहीं कर रहे ना? फिर मैं यहाँ किस तरह आया? अच्छा, आ गया था क्या? नहीं, मतलब किसी ने शरारत की है? किसी ने की होगी शरारत आपके साथ? शरारती हुई है, मतलब शरारती हो रही है सब, है ना। एक तो भाई मुझे ये नहीं मालूम था कि जश्न शरारत है, जबकि उरवान है जश्न जराफत। क्यों खुशी साहब? बहुत अच्छे, अच्छा लगता है। आपने जो है ये जो अभी उस्मान गनी सर कहाँ गए? उन्होंने कहा था कि भाई जो लोग भी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि लतीफ़ा बयान कर रहे हैं या कुछ अपनी ज़िंदगी के वाकयात, तो आपने कहा था कि बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं इससे पहले भी, तो आपको मेरे ख्याल से गालबन नाम जश्न शरारत रखना चाहिए था, जश्न ज़राफ़त नहीं। ठीक है ना? अच्छा। जी सर, आप अरे उसको भी नहीं आ रहा।
अच्छा खैर, मेरे साथी डॉक्टर मंजूर हसन अजूबी, डॉक्टर आसिफ सलीम और सईद फारानी साहब, हम लोग जाफर सलीमान हॉस्टल में रहते हैं बॉम्बे में। चलो थोड़ी पुरानी बातें ताज़ा कर लेते हैं। तो हम लोग जाफर सलीमान हॉस्टल से अपने कॉलेज की तरफ जाते थे, और आप लोग गए होंगे रेलवे स्टेशन पर, देखते हैं कि वहाँ पर जो ट्रेन्स आती हैं, अब जैसे एक ट्रेन चल रही है वीटी से विरार, है ना, आप स्टेशन पे खड़े रहो तो ये नहीं समझ में आता कि वीटी से आ रही है कि विरार से आ रही है ना। अपने जब स्टेशन पे खड़े रहते थे तो ट्रेन इधर से भी आती है, इधर से भी आती है ना। अब उसमें लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अपने को वीटी जाना है कि विरार जाना है। तो अपने को मालूम था, अपने चूँकि हमेशा आते जाते थे, तो मैं एक दिन अपने अंधेरी स्टेशन पर उतरा और मैं इस तरफ जा रहा था, गर्बन उस तरफ से यानी विरार की तरफ से ट्रेन आने वाली थी। मैं समझ गया एक भैया यानी एक यूपी का शख्स था, अपने भी खुद भी भैया ही अपने यूपी के, खैर तो आया और मुझसे बोले, वो साहब वो बोले बेटी की ट्रेन किधर जाती है, तो मैंने उसको विरार की ट्रेन में बैठा दी। बोले ज़रा इसको भी बम्बई घूमने आए, इसको मज़ा चिखा देना चाहिए। तो बेचारे को मैंने बेटी जाने की बजाय दूसरी ट्रेन में बैठा दी, विरार चला गया। ये माफ़ी के साथ आप देखिए, दाढ़ी वालों, ये तो खैर अभी दाढ़ी आ गई है, हमारा कॉलेज इल्म का ज़माना डॉक्टर सईद साहब जानते हैं कि काफ़ी इनके साथ काफ़ी रंगीन हुआ करता था। तो घर तो जा रहा था एक तरफ और मैं उसको पहुंचा दिया दूसरी तरफ, तो ये हुई शराफत, शरारत। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और आज डॉक्टर सईद फारानी साहब मौजूद हैं, उनके भाई साहब, बड़े भाई साहब डॉक्टर जाहिद फारानी साहब बहुत ज़राफ़त रखते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह जब भी हम लोग बैठते थे तो उनकी जो है उनकी बातों से हमारी महफिलों में कहकहा लगने लगता था। आज वो हमारे दरमियान नहीं है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत कराए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। एक बार कॉलेज में एक प्रोग्राम हुआ था, तो उनको याद करने के लिए, उनको खराज अकीदत पे पेश करने के लिए मैं उनका एक मोनो प्ले बताता हूँ इंशाल्लाह यहाँ पर, कि किस तरह से उन्होंने कॉलेज के तलबा को हंसाया और अपनी ज़राफ़त का सबूत दिया। मैं वो एक लतीफ़ा पेश करता हूँ। वो बताते थे कि इस तरह की एक सरदार जी नया जूता लेकर आता है, नया जूता लेकर, जाहिर सी बात वो पैर में डालेगा तो उसके बाद बंदर मानना पड़ता है। तो डॉक्टर जाहिद फारानी साहब ने किस तरह से उसको पेश किया मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। अभी जूता रखा हुआ है, ठीक है, एक जूता उठाया है ना, ये जूते में उनको अंदर मार, उन्होंने पैर ऐसा रखा, दूसरे की बारी है, इधर आ गए। ठीक ठीक, अब थोड़ी सी ज़राफ़त की तरफ भी आते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 10 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे डॉक्टर हजरात मौजूद हैं, और मुख्तलिफ तरह के इलाज जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी और यूनानी और इस किस्म काफ़ी इलाज हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, होम्योपैथी है ना। तो मेरा एक पेशेंट आया, उसको पता चला डॉक्टर साहब तो पहले तो एलोपैथिक करते थे, अब शायद होम्योपैथिक भी करने लगे। अब वो जो अपने तालीम के लिहाज से अपने ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, वो मेरे पास आया, कहने लगा डॉक्टर साहब वो होम्योपैथिस की दवा देवत होगा। मैं हैरान रह गया, चला ये होम्योपैथिस तो कभी नाम सुने ना, एलोपैथिक, यूनानी, आयुर्वेदिक, बोले होम्योपैथिस कहाँ से आ गए, बोले होम्योपैथिस। मैं फिर थोड़े देर बाद मैं ज़रा उसको मतलब समझने की कोशिश किया, मैं समझ गया कि ये जो है होम्योपैथिक को होम्योपैथिस कह रहा है। मैंने बोला अच्छा ठीक है भाई, तुमको ये बताओ कि तकलीफ़ क्या है। बोले डॉक्टर साहब तुम्हारा बहुत नाम सुना था मैं कि होम्योपैथिस का इलाज करते तुम, मुझे ना पुरानी पेचिस की शिकायत है। बोलो ये बोला होम्योपैथिस में पुरानी पेचिस की बहुत अच्छी दवा होगी, इसके लिए मैं तुम्हारे पास दवा लेने आया था।
यानी होम्योपैथी को होमो पेचिस कर रहा है। जजाक अल्लाह शुक्रिया। मुस्तफ़ा बरकती सर चिट्ठी जल्द अज जल्द पहुँचाएँ ताकि अगले मुकर्रर को हम मधु करें। लालीपॉप जो है अपने हाथ से प्रैक्टिकली पेश करने पर दो लालीपॉप आपने हाथ लिए। अहमद अयूबी सर, अहमद अयूबी सर हैं क्या इस हॉल में? अरे बाहर थे ये भी सब। बचपन पचपन और पचानवे, हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल, रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।